Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। ये हमारी पार्ट थर्ड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की दो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो आज हम जो सिस्टम पढ़ेंगे वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी एंड नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि जो कॉकरोच है वो क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। तो जब मैंने आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, तो उसमें आपको बताया था जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इन केस ऑफ कॉकरोचेस वो ओपन टाइप का होता है। मींस आपका हार्ट प्रेजेंट है बट देयर इज नो ब्लड वेसल्स, मींस आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सब नहीं होती। तो जो आपका हार्ट है वो ब्लड पंप करता है एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन गेट बाथ इन द ब्लड। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पुअरली डेवलप्ड है एंड ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। विसरल ऑर्गन्स मींस जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं दे आर लोकेटेड इन द हीमोसील। तो हीमोसील ये पूरी कैविटी है जहाँ सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। आर बाद इन द ब्लड हीमोलिम्फ। तो जो कॉकरोच ब्लड है दैट इज हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ किससे कंपोज्ड है? कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप है। विसरल ऑर्गन्स हीमोसील कैविटी में लोकेटेड है विच आर बाद विद द ब्लड। ब्लड आपका कहलाता है हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ कंपोज्ड है कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। अब कॉकरोच का जो हार्ट है वो आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में, वो इलोंगेटेड है एंड मस्कुलर हार्ट है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये 13 चैम्बर्ड है। तो छोटे छोटे ये 13 चैम्बर्स हैं। अब हर एक चैम्बर जो है इट हैज ऑस्टिया। ऑस्टिया मीन्स स्मॉल पोर्स। अब इन पोर्स के थ्रू जो आपका हीमोलिम्फ है, ब्लड है, वो ट्रांसफर होता है पूरी बॉडी में। तो लिखा भी है ब्लड फ्रॉम द साइनसेस मीन्स जो स्पेसेस हैं एंटर हार्ट थ्रू द ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड इंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। तो हम एक और डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी इंसेक्ट जो मतलब क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है जो ऑर्गेनिज्म, उनमें कुछ इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये ऑस्टिया है स्मॉल पोर्स, जैसा हमने देखा ब्लड एंटर करता है साइनस से थ्रू ऑस्टिया और इसी से वापस साइनसेस में आता है। तो ये आपका डॉर्सल पोर्शन में हार्ट प्रेजेंट है कॉकरोच का, जो कि ट्यूब्यूलर और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स में हमने गिल्स देखे थे, लंग्स होते हैं, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं एव्स में। बट इन केस ऑफ कॉकरोचेस यहाँ पे एक ट्यूब लाइक नेटवर्क सिस्टम है और ये नेटवर्क सिस्टम को हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। तो जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है दैट इज ट्रैकिया। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो जो आपका ट्रैकियल सिस्टम है वो ट्यूब्स हैं और यहाँ कैनाल्स हैं। तो स्पेरिकल जैसे कि ऑस्टिया हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पोर्स है जहां से आपका ब्लड एंटर करता है, वैसे ही सिमिलरली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पेरिकल। और इन स्पेरिकल से एयर एंटर करती है और फिर उसमें से ऑक्सीजन डिराइव करते हैं और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये आपका ट्रैकियल सिस्टम है जो फर्दर डिवाइडेड है या ब्रांच्ड है इनटू थिन ट्यूब्स जिन्हें हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, जो कि सब डिवाइडेड है ट्रैकियोल्स में। तो आप इसको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे में भी जो ट्रैकिया है, फिर आता है ब्रोंकाई और वो ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी और ब्रोंकियोल्स में डिवाइडेड है। तो वैसे ही यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम जो है वो स्मॉलर ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स में सब डिवाइडेड है जो फर्दर डिवाइडेड है ट्रैकियोल्स में, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर आपके स्पेरिकल्स जो स्मॉलर ओपनिंग है दे आर रेगुलेटेड बाय स्पिंचर्स। तो स्पिंचर्स आपकी वो रेगुलेटेड मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और किसी भी ओपनिंग पे प्रेजेंट होती है। तो वो ओपनिंग में हम वर्टिब्रेट्स में भी पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम में कई स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं आपके स्टमक पोर्शन पे, इंटेस्टाइन पोर्शन में, एनल पोर्शन पे। तो ये स्पिंचर्स रेगुलेट करते हैं कि जो भी फूड ट्रांसफर हो रहा है, एयर ट्रांसफर हो रही है, उसका कंट्रोल करेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है इट टेक्स प्लेस
एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, तो सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस से आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स हैं, जो ट्रैकियल सिस्टम है उसमें 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स हैं जिन्हें हम स्पेरिकल्स कहते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट है, लैटरल साइड ऑफ द बॉडी. तो अगर आप कभी कॉकरोच को देखेंगे या कॉकरोच को पानी में अगर आपने डाल दिया तो आप देखो कॉकरोच की बॉडी फ्लोट करने लग जाती है अपर साइड पे, क्योंकि बॉडी के अंदर इन स्पेरिकल के थ्रू पानी भर जाता है इन सभी ट्यूब्स में. नेक्स्ट सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम. तो एक्सक्रीशन के बारे में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था कि आपकी मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो एक्सक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो कि प्रेजेंट है आपके जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट में. तो आपकी मैल्फिजियन ट्यूब्यूल का फंक्शन है इन एक्सक्रीशन. तो ये जो ट्यूब्यूल है इट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल. ग्लैंडुलर सेल्स मींस ऑब्वियसली कोई सिक्रीशन है जो हेल्प कर रहा है डाइजेशन में. सिलिएटेड सेल्स हैं जो पास ऑन कर रहे हैं फूड पार्टिकल्स को. तो दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड. तो यहाँ पे जो आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं, मोस्टली आपके जो इंसेक्ट्स हैं, ये कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म. यूरिकोटेलिक मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे इंसेक्ट्स जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट में यूरिक एसिड रिलीज करते हैं. तो इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो है यूरिक एसिड. अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, हमारे केस में जो एक्सक्रेटरी वेस्ट है दैट इज यूरिया. तो हमारे में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसे यूरिया में कन्वर्ट किया गया. तो ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, बट इन केस ऑफ इंसेक्ट्स उनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसे कन्वर्ट किया गया है यूरिक एसिड में. देयरफॉर इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक. तो इंसेक्ट्स यूरिकोटेलिक है, ह्यूमन यूरियोटेलिक है. इसके अलावा जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है इन केस ऑफ कॉकरोच, यहाँ पे फैट बॉडीज प्रेजेंट है, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड. तो ये आपके एडिशनल स्ट्रक्चर हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में. तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मैल्फिजियन ट्यूब्यूल. कन्वर्ट हो रहा है यहाँ नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड में, इसीलिए हम इन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम मैल्फिजियन ट्यूब्यूल जो दूसरे स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, दोज आर फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड. तो नेक्स्ट सिस्टम है कॉकरोच में नर्वस सिस्टम. तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है उसमें सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया हैं, व्हिच आर जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड. तो पहले हम डायग्राम देखते हैं कि किस तरह से कॉकरोच का नर्वस सिस्टम बना है. तो इस डायग्राम में आप क्लियरली कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के पार्ट्स देख सकते हो, हेड पोर्शन, थोरेसिक पोर्शन एंड एब्डोमिनल पोर्शन. तो जो गैंग्लियन है, जो आपका नर्वस सिस्टम के ये सारे पार्ट्स हैं, इनको इनकी पोजीशन के हिसाब से ही नाम दिया गया. जैसे सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन जो ब्रेन की तरफ जा रही है, सब ईसोफेगल गैंग्लियन, ठीक है, ईसोफेगस से जो डाउन तरफ आ रही है, आपका थोरेसिक गैंग्लियन, एब्डोमिनल एंड वेंट्रल नर्व. तो आप यहाँ देखो जो हेड पोर्शन है वहाँ बहुत ही कम अमाउंट ऑफ गैंग्लियन या नर्वस सिस्टम का पार्ट प्रेजेंट है. तो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन. नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. तो ऑब्वियसली पूरे सिस्टम में ये कनेक्शन जो है नर्वस सिस्टम का नेटवर्क प्रेजेंट है. जो हेड पोर्शन है इट होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम. तो हेड पोर्शन है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ नर्वस सिस्टम का पोर्शन है, जबकि रेस्ट ऑफ द बॉडी जो बेली साइड है, वेंट्रल साइड है, वहां बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है आपके गैंग्लियन का. तो इससे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो कॉकरोच है अगर उसका हेड कट ऑफ कर दिया जाए फिर भी कॉकरोच एक वीक तक जिंदा रह सकता है. ऐसा इसीलिए है क्योंकि हेड पोर्शन में बहुत कम अमाउंट ऑफ आपकी नर्व सप्लाई है. तो वहां पे जो नर्व सप्लाई है वो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन है विद सप्लाई नर्व्स टू द एंटीने एंड कंपाउंड आईज. तो इन दोनों पोर्शन को ये गैंग्लियन सिग्नल्स प्रोवाइड कर रही है और वहां से सिग्नल रिसीव कर रही है. तो अगर हेड कट भी हो जाता है कॉकरोच का तो भी कॉकरोच एक हफ्ते तक आराम से जिंदा रह सकता है. और कॉकरोच की डेथ जो होती है वो बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन हो रही है, क्योंकि वो खा नहीं पाता, अदरवाइज कॉकरोच जिंदा रह सकता है. तो नर्वस सिस्टम में आपके जो अदर सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो हैं एंटीने, आईज, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स एंड एनल सिराय. तो ये स्ट्रक्चर्स हमने पहले भी कॉकरोच में देखे थे. जो कंपाउंड आईज है कॉकरोच की वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं,
दे आर प्रेजेंट डॉर्सली, तो हेड आपका ट्रायंगुलर है। अब मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जो आईज है वो स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बनी है और उन्हें हम कहते हैं ओमेटीडिया, तो हेक्सागोनल। तो जैसे हनीकॉम शेप होता है उस तरह से आपकी आईज दिखती है कॉकरोच की। तो हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो जैसा आपने देखा कि आईज में जो स्ट्रक्चर है जिन्हें हम कहते हैं ओमेटीडिया, तो बहुत सारे ओमेटीडिया मिलकर एक कंपाउंड आई फॉर्म करते हैं। तो एक कॉकरोच जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखता है तो उसे हर एक ओमेटीडिया में एक सेवरल इमेजेस फॉर्म होती हैं उस ऑर्गेनिज्म की। तो इस तरह का विजन जो होता है जिसमें हर एक ओमेटीडिया में सिंगल इमेज बनती है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की और वो एक ब्लर्ड इमेज प्रोवाइड करता है कॉकरोच को, तो दिस इज नोन एज मोजाइक विजन। इसकी सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा है बट इसका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है। तो जितने भी आपके इंसेक्ट हैं उनके में मोजाइक विजन ही प्रेजेंट होता है। आई सेंसिटिव होती है टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस या कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए बट उनका रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होता है। और ये जो मोजाइक विजन है ये इनको हेल्प करता है नाइट टाइम पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, और इस तरह के विजन को हम कहते हैं नॉक्टर्नल विजन। जैसे हमने पढ़ा नॉक्टर्नल एनिमल जो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं, तो नॉक्टर्नल विजन जो मोजाइक विजन इन्हें प्रोवाइड करता है जो नाइट टाइम में इन्हें हेल्प करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसके साथ हमने चारों सिस्टम कंप्लीट कर लिए, आपके सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी एंड नर्वस सिस्टम। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।